कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, निकाल गोली, निकालता हूँ। निकली, ला दूसरी गोली ला। लो भैया, भैया जरा आदमी देख के चला। अरे तू फिकर मत कर, क्या आदमियों की बात करता है, ये देख वो बीच वाली। अच्छा बीच वाली ले, भैया हुआ। अब ला तीसरा कारतूस। भैया ये गोलियों का कारखाना मेरे घर में नहीं है। समझे, बनिया तो देता है ना माल। अच्छा भैया वो वाली, कमाल कर दिया भैया, निकाल। अरे शामू भगवान के चरणों में भी मुझे चैन से बैठना नहीं देता। तो यहीं ठहर माँ, मैं भैया को देख के आता हूँ। भैया अच्छी गोली है, निकाल तो सही। शाबाश, ये देख अब वो बीच वाली बोतल देख। अच्छा भैया ये क्या हो रहा है? वह निशाना ठीक हो रहा है और क्या हो रहा है? भगवान की आरती के समय निशाना ठीक हो रहा है। तेरे भगवान ने आरती के समय गोली चलाने को मना तो नहीं किया है? मगर पूजा का तो मान करना पड़ेगा ना भैया, तुम्हारी निशानेबाजी से आरती रुक गई है सब। अच्छा, जब आदमी का काम नहीं रुकता तो फिर तेरे भगवान का काम कैसे रुकेगा? जा जा, तू जाके पूजा पाठ कर, हम लोग निशाने ठीक करते हैं। ये किधर जा रहा है? पूजा तो उधर हो रही है। मनु हट जा, मनु हट जा। तुझे गोली चलाना है तो मेरे सीने पर चला, मैं खुद गोली खा लूंगा मगर मां का सर सबके सामने नहीं झुकने दूंगा। बस कहीं और चले, चलो अब खड़ा रहे वहां सुबह तक। आप ही उसे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं तो हार गई उसे समझाते समझाते। माई शामू बुरा नहीं है, संसार बुरा है, चिंता ना करो, सुधार देगा सुधारने वाला। भरे चौधरी घुट रही है ना, बड़े जोर की घुटने, आज मुकाबला बड़े जोर का है। मैंने कहा शामू भैया एक दम लगा लो, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? अरे भैया अगर मिलाया है तो मुझे दे देना, मुझे तो इस बात की आदत है। बरसाती भैया जरा जोर से खींचना, चिलम बुझी जा रही, कभी नहीं बुझेगी। अरे दम नहीं लगाते हो कि तुम्हारे स्पीकर में भी कुछ दम है? अरे हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। अरे आजा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे किसको कहता है, खिलाता क्या है स्पीकर को अपने? चौधरी महाजन का माल नहीं खिलाता हूँ, असली माल हलाल की कमाई खिलाता हूँ। चौधरी वो भी असली घी का, अगर हिम्मत है तो तुम खुद लगे देख लो। बहुत अच्छे, अरे तुम्हारा और तुम्हारे स्पीकर का खाया पिया सभी अभी सामने आ जाता है। जानता नहीं मेरे स्पीकर को प्यारे तू, चील को रबोट लिया था एक दिन। अच्छा चौधरी वो चील नहीं होगी, कोई मरा हुआ कौवा होगा। और चौधरी हमारे तीतर ने तो एक दिन शेर के हाथ फोड़ दी। अरे प्यारे फिर वो शेर नहीं होगा, मरा हुआ गीदड़ होगा। चौधरी अगर यही बात है तो आ जाओ मैदान में, असली हो जाए 200 रुपये की। चलो मंजूर है, चलो आ जाओ। क्यों शामू भैया ठीक है ना? अबे अपनी जेब में तो दोनी तक नहीं है तो इसमें घबराने की क्या बात है? महाजन के वहां ले लो भगवान का नाम। हो जाए चौधरी इसी बात पे, खोल लो भैया पिंजरा और निकालो शेर को बाहर। आजा चौधरी आजा, मेरे इधर की तरह तू भी पीठ दिखा रहा है क्या? पैसे निकाल, पैसे निकाल। ओए मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम लोगों ने धोखा किया है, अपने तीतर को शराब पिलाइए। अच्छा अच्छा, पूरी जॉनी वॉकर की बोतल पिलाई है, नंबरदार ने खिंचवा कर भेजी थी। ए, बाप का नाम नहीं लिया
वरना ये जबान खींच के रखूंगा मालूम है। ये नंबरदार की धुन गरीब गांव वालों को देना समझा? मुझे भी सरकार ने लाइसेंस दिया है कुत्ते मारने का। अरे बहुत देखे तेरे लाइसेंस और बहुत देखे तेरे कुत्ते। हट जा, बहुत हो गया, नहीं दूंगा पैसे मैं तेरे। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मार निकालो चौधरी, अब मार निकालो, निकालते हो हाथ तोड़ दूं। अच्छा, घबराहट में ज्यादा दे रहे हो। अरे जाने वाले हो, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना। अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। करे तुझ पे यकीन, आज हम ऐसे नहीं ना। ऐसे नादान नजर आएंगे तुझे और कहीं। जो करे तुझ पे यकीन, आज हम ऐसे नहीं, ऐसे नादान नजर आएंगे तुझे और कहीं। छोड़ दे हमको बातों में बहलाना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना। अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। संभले जान जहाँ, ये लचकता है बदन जैसे मोहब्बत की कमा। तौबा तौबा ये अंदाज़े मस्ताना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना। के अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। सुना मैंने सौ बार कहा, जिस तेरा घर है तो इस घर में सनम शौक से आ। तूने सौ बार सुना, मैंने सौ बार कहा, दिल तेरा घर है तू इस घर में तनम शौक से आ। हम तेरे हैं तसल्लुक ना फरमाना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना। के अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। अरे रानी खैर ना, हम भी तो सब ना तरफ अभी तो चल ना। मान गया, मान गया। तो क्या भीसियों शंकर आ जाए तो गाँव में। भैया तुम्हें सामने कोई दिखाई दे रहा है? दिखाई दे, ये तो घड़ा है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि घड़ा है। हाँ। मगर ये जा कर रहा है, अबे अपने घर जा रहा होगा। इसे तो अब तक अपने घर आ जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ। बहुत खूबसूरत होना बेटा, जो रानी तुम्हारे घर आ जाएगी। हाँ? अरे अब ये अपने घर क्या आएगी, ये तो फंसी हुई है शंकर के चक्कर में और अकड़ती है हमसे। शंकर के चक्कर में फंसी? हाँ भैया। ला तो सही बंदूक, मैं भी इसके अकड़ निकालता हूँ। भैया संभाल के, तू निकाल। भैया देखो निशाना घरे पड़ी रहे। अरे तू फिक्र मत कर, संभाल के। भैया निशाना।
समूह मैं तेरी खबर लेती हूँ। अरे ले बरसाती संभाल, तू तो घरे की बात कर रहा था, घरे वाली आ रही है। अरे 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 बारे मेरे शेर, ले मनु ये पिंजरा लटका दे। आज तो आप भी लटक गए होते, अच्छे ही हुआ जो घर पे नहीं मिले, पंचायत वाले आए थे ढूंढने। अरे मैं पंचायत वाले मुझे ढूंढने क्यों आए थे बे? इनाम देने के लिए। बाप दादा का बहुत नाम रोशन किया है ना तूने, खानदान की पगड़ी उछाली है, माँ का कलेजा ठंडा किया है। मगर बात क्या है माँ? बात मुझसे पूछता है, आज पुजारी जी ने मदद नहीं की होती तो पंचायत ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया होता। अरे किसकी मजाल है जो हमको बिरादरी से बाहर निकाल दे? पंचायत कुछ हमें खाना कपड़ा नहीं देती है, हम किसी के दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगते। अरे माँ ये सब शरारत उस नंबरदार के लड़के की है। हाँ, नंबरदार के लड़के ने ही रानी का घड़ा फोड़ा, उसकी टांग तोड़ी, बंदूक चलाकर आरती रुकवा दी। अपना सोना खोटा और परखने वाले को दोष। परखने वाले को दोष? मैं अभी बताता हूँ किसका सोना खोटा है। मनु जा जरा बरसाती से बंदूक तो ले। मनु नहीं जाएगा। मनु नहीं जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। तू नहीं जाएगा शामू। माँ मर गई तेरी माँ, अब मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। बहने दे इस खून को, मेरा थोड़ा ही, जिसने बहाया ये खून उसी का है। सोच रहा है? कुछ नहीं। सोता क्यों नहीं? नींद नहीं आती। क्यों? मैंने पाप जो किए, रानी की टांग तोड़ दी, नंबरदार के लड़के से झगड़ा किया, आरती के समय बंदूक चला दी, तुझे बिरादरी से बाहर निकलवा दी, और अब तो मैं तुझे माँ भी नहीं कह सकता। तेरी मर्जी, नहीं जी चाहता तो माँ मत बोल, मैं जबरदस्ती थोड़े कह रही हूँ माँ बोलने को। सर सर मैं तेल डाल देती हूँ, नींद आ जाएगी। अब काहे को रो रही हूँ? तेरे सर का खून पानी से नहीं धोया था ना, तो आंसुओं से धो रही है। तू माँ को रुलाकर खुश होता है ना, राम करे तेरे बच्चे भी तुझे इसी तरह सताए। ये शराब है क्या आशीर्वाद? जो भी समझ ले। माँ माँ मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, माँ मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर दे माँ। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा, अब मैं काम धंधा भी करूंगा। तुझे काम धंधा कौन देगा इस गांव में? माँ ये एक ही गांव थोड़ी, मैं कहीं और चला जाऊंगा। पट्टी जालिम हाय बजाए
मुझे क्या मालूम यहाँ लड़कियां लड़कों को पकड़ती हैं। तुम परदेश से आए हो? यहाँ कैसे आए? पैदल। पैदल? हाँ। बहुत जल्दी किया आने में। इसलिए तो जल्दी पकड़ा गया। बाल बच्चे तो खैरियत से है ना, और घरवाली को किसने छोड़ा है? अरे तुम तो ऐसा पूछ रही हो जैसे गांव की चौधराइन तुम। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या? गोरी। अरे मैं तुम्हारा रंग नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। अरे जो देख रहे हो वही मेरा नाम है, समझे? अगर ऐसा है तो बहुत उम्दा। तुम्हारा नाम क्या है? काला। काला? मुझे लगने की जैसे माँ बाप ने काला रख दिया होगा, वरना रंग तो तुम्हारा भी गोरा है। मेरा भी गोरा है। देखो यहाँ कैसे? जो तुम कहो। क्या? यही बाप दादा का हल चला सकते हो? हाँ, अच्छी जमीन है। फिर तो आदमी काम के, तुम भी तुमको बाबा के पास ले चलो। चलो गोरी। ओ गोरी, परदेसी की प्रीत बुरी। अरे परदेसी नहीं, देसी है देसी। बेचारा काम ढूंढने आया है, क्यों कल? ठीक है समझी। चलो भाई, ये तो गई काम। चलो चलो, लो दवाई पी लो। कितनी कड़वी दवाई है, तुम्हारा वैद्य कब तक भर भर प्याला दवाई पिलाता रहेगा? बेचारा भर भर प्याला दवाई अच्छा होने को देता है तो एक दिन ही सारी दवाई क्यों नहीं पिला देता? 3 महीने से डेढ़ डेढ़ से दवाई रोज पिला रहा है, इतनी तो लस्सी भी कभी नहीं पी थी। दवाई कम हो या ज्यादा, मतलब तो अच्छा होने से है ना? और अगर अच्छा नहीं हुआ गोरी की माँ, तो याद रखना एक दिन वैद्य को हल मिले जाकर जोत दूंगा। ना 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 बाबा, अब वैद्य को हल में जोतने की जरूरत नहीं, आदमी मिल गया। कहाँ है? वो देखो। ए, आजा आजा। आ भाई बैठो। तेरी माँ तुझे खेत पे जाने से मना करती थी, अगर ये खेत पे न जाती तो ये आदमी कहाँ से मिलता? क्या नाम है भाई तुम्हारा? काला। बाबा इसका नाम काला है। काला? नहीं नहीं, हमें काला पीला आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका रंग ढंग हो। इससे कोई घर के कपड़े धुलवाने हैं कि काला नहीं चाहिए पीला नहीं चाहिए, खेती बाड़ी ही तो करेगा। नहीं बाबा, जरूरत पड़ेगी
तो कपड़े भी धो देगा, घर का सारा कामकाज भी कर देगा। आदमी बड़ा काम का है। मुझे सब कुछ मंजूर है चौधरी, कहोगे तो रात बैलों को गाना भी सुना दिया करूंगा, और अगर वैद्य की दवाई ने फायदा न किया तो उसकी मरम्मत भी कर दूंगा। हमें खेती बाड़ी के लिए आदमी चाहिए, गांव में फौजदारी नहीं करना है। अरे माँ, वो तो फाजिल काम है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अब तो ये बेचारा खेती बाड़ी करेगा। किस गांव के रहने वाले हो? नंदगांव का रहने वाला हूँ चौधरी, और मेरा नाम काला नहीं शामू है। एक ही बात है, चाहे शामू कहो चाहे काला कहो, लेकिन नंदगांव से यहाँ कैसे आए? बेचारा पैदल आया है माँ। तुम किसके बेटे हो? कन्हैयालाल जी का। तुम कन्हैयालाल की बेटी हो? जी हाँ। आप उन्हें जानते थे? क्या आदमी था बेचारा, उन्हें तो गुजरे हुए 5-6 बरस हुए ना। जी हाँ। भगवान जीता रखे बेटा, कन्हैयालाल जी तो बड़े भले आदमी थे। दुनिया में वही तक मेरा दोस्त था, अगर आज वो जिंदा होता तो मुझे कोई चिंता न होती। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, घर भी तुम्हारा है खेत भी तुम्हारा है, इसे अपना ही काम समझना। और देखो कल सुबह सीधे खेत पे आ जाना, मैं नाश्ता ले आऊंगी। लस्सी लाना मत भूलना। हाँ हाँ सब ले आऊंगी। अच्छा बाबू जी, अच्छा। नमस्ते। अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई। कहाँ देर हो गई रानी, अभी तो मिले। जब हम दोनों प्यार से एक दूसरे के पास बैठते हैं तो वक्त कितना तेजी से चला जाता है। अब मैं कल आऊंगी। नहीं, अरे अभी तो हमने जी भर कर बातें भी नहीं की। लेकिन बाबूजी ढूंढते होंगे ना। तो कह देना कि एक सहेली के पास गई थी और उसने रोक लिया। पूछिए कौन सहेली? तो मैं इतनी लंबी चौड़ी सहेली का नाम क्या बताऊंगी? अपना नाम बता देना। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम कैसे बताऊंगी? कह देना शंकर की पार्वती। ओहो, अभी से इतना दावा? दावा झूठा तो नहीं। शंकर, प्यार भी कभी झूठा होता है। लेकिन मुझे डर लगता है शंकर। डर किस बात का? कभी किसी ने देख लिया और गांव वालों को मालूम हो गया तो? अरे गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। बरसाती हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है, उसने एक बार मेरा घड़ा भी फोड़ दिया था। इस बार उसे घड़े की तरफ देखने तो दे। अरे उस टिंगू की आंखें फोड़ के नहीं रख दूं? नहीं नहीं, बदनामी कितनी होगी। अरे रानी, बदनामी होगी तभी तो तेरे और मेरे बाबू को हमारे ब्याह की फिक्र होगी। ब्याह? अच्छा सुन, मैं जाती हूँ। कल आओगी ना? हाथों से तो पता चलता है कि तुम एक लड़की हो। हाँ लड़की तो हूँ ही, मगर मेरा नाम तो पूछो। हाँ, शक्ल दिखाओ तो मैं नाम भी बता देता हूँ। देखो मैं समझी तुम काले हो। हूँ तो गोरा, पर तू काला कहेगी तो भी चलेगा। यहाँ क्या नौकरी के लिए आए हो? मगर मैंने तो आदमी रख लिया। कोई बात नहीं, कभी जगह खाली हो तो इतला कर देना, फिर आ जाऊँ। मगर तुम हो कौन? नंदगांव का नाम सुना? वहाँ के लंबरदार का बेटा हूँ शंकर। हाय राम, नंदगांव वाले ने तो जैसे एक घर ही देख लिया। अकेले आए हो या बारात को भी साथ लाए हो? अरे बारात लेके आता तो बाजे नहीं बजते। तो फिर पैदल ही आए? अरे नहीं, जानवर साथ तालाब पे पानी पी रहा। तो फिर तुम यहाँ आए किस लिए? देखते नहीं फसल पकने का जमाना है। अरे फसल तो कब से कट चुकी। उसी की वसूली के लिए तो आए। देख इतना माल वसूल कर लिया, बहुत सारा माल वसूल करना बाकी है अभी तक। ये सारे रुपये हैं? हाँ नकद। ये सारे रुपये तुम्हारे बाप के हैं? अब तो मेरे और मेरे बाप के ही समझ। ए तेरा नाम क्या है? ए मत बोल, मैं यहाँ के चौधरी की लड़की हूँ, समझे?
यहाँ के चौधरी की बेटियाँ तो? हाँ। फिर तो मेरे बाप ने बहुत अच्छी जगह पैसे लगाए। क्या? हाय राम, तो पैसे गिर गए? कोई बात नहीं। ए, तूने अपना नाम तो बताया नहीं मुझे। मेरा नाम जानकर क्या करेगा? सुन, या खेत पे हर रोज अकेली रहती है तू? तुझे उससे क्या? अरे वाह, ये क्या हो रहा है? देखो तो, इसके 4 रुपए गिर गए। कितने 4 रुपए हैं? तुमने कभी देखे इतने रुपए? इसने क्या, उसके बाप ने भी नहीं देखे होंगे। शंकर, क्या कर रहा तू? हट जा तू बीच में। अरे अरे, मुझे मार दे। बेचारा गरीब मर जाएगा। मेहमान घर पे आते हैं, खेत में नहीं आते। मैं इसको इसी खेत में दफन करूंगा। तुझे शर्म नहीं आती मेहमान से हाथ दिखाते हुए? मेहमान गांव की इज्जत होते हैं। अच्छा ये बात है, अब हम भी यहाँ मेहमान ही बनकर आएंगे। तुझे रुपए बहुत अच्छे लगते हैं ना, अब मैं रुपयों की इतनी बड़ी थैली लेकर आऊंगा। अब मैं क्या करूं? लड़की की शादी है लाला, 500 रुपया दे दो। वो तो ठीक है, मगर पिछला कलच चुकाया है तुमने। साथ ही अदा कर दूंगा लाला, गरीब की इज्जत का सवाल है, इस समय दया कर दो। मगर दया करके अपना दिवाला निकाल लूं? पिछला कर्ज तुमने चुकाया नहीं और ऊपर से और 500 रुपए लेने आ गए। भैया सोचो, दिया लिया हमेशा काम आता है, खाली लिया काम नहीं आता। पिछला कर्ज चुका दो तो आएगा तो और ले जाओ। चलो जाओ यहाँ से, काम करो अपना। लाला इतना काम निकाल दो, आदमी ही आदमी के काम आता है। कह दिया ना, आदमियत का धंधा अपने यहाँ नहीं होता, यहाँ माल का धंधा होता है, माल का। चलो माफ करो। पैसे दे देते तो अच्छा होता लाला, नहीं तो? नहीं तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, चल रास्ता नाप अपना। जाता हूँ लाला। जय राम जी की। जय सिया राम जी की। 313 रुपए सूद लगा के 514 आने। राम राम लाला। जय राम की समूह। भैया पधारो, कुछ जलपान ही करोगे? कुछ जलपान अलपान नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपए चाहिए। तुम 500 रुपए का क्या करोगे? मट्टी मिला दोगे समू भैया? मट्टी में मिला दूंगा लाला, लेकिन तुमसे लेके मिलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं कभी इनकार करता हूँ, मगर मेरा मतबल है समू भैया, बटेर खरीदने के लिए 500 रुपए। मुझे बटेर नहीं खरीदनी है लाला, मुझे बैलों की जोड़ी खरीदनी है। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। खेती बाड़ी? लाला। हाँ 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 समू भैया, ठीक है, खेती बाड़ी से बढ़कर और कौन सा धंधा हो सकता है? मगर ख्याल रखना, मेरे रुपयों पे हल ना चला देना। फिक्र ना करो लाला, अनाज उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक तुम्हारा रुपया ना अदा कर दूं। बस तो ठीक है समू भैया, रुपए ले लो। रुपए तुमसे बढ़ के थोड़ी है भैया, ये लो पूरे 500 रुपए हैं, गिन लो। पूरे 500 हैं? हाँ भैया, भगवान कसम दिवाली पे रखे हैं गिन के। अच्छा समू भैया, अंगूठा लगा दो। अंगूठा? हाँ हाँ, जरा पुराना रिवाज है, बाया हाथ भैया। अरे दोनों लो। अरे मनु, ये ले जरा ये बैल बांध देना, मजबूत रस्सी से बांधना, समझा? भैया आज तो अपने साथ बैल भी ले आए। अरे तू फिक्र मत कर, देख तो सही तेरा भैया अपने साथ क्या क्या लाता है। चल आ आजा। अरे शामू किसके है रे? अरे माँ किसके? जिसके घर पे बन जाए उसके हैं। मगर लाया कहाँ से? लाया कहाँ से? अरे माँ बटेर बेच दिए होंगे और बैल खरीद लिए। अबे तू तो खुद बैल है, बटेर के दाम में बैल किस गांव में बिकते हैं? अरे भाई साहब, बटेर के दामों में तो बड़ी बड़ी जागीरें बिक गई हैं, राजा भिखारी हो गए हैं। भिखारी? आप राजा भिखारी नहीं होंगे, आप भिखारी राजा होंगे, समझा? हाँ। मगर तू बैल लाया कहाँ से? इतना रुपए कहाँ से मिल गया तुझे? लाला से उधार लिए है माँ। लाला से? अरे वो आज लाला ने हसीन के कब्र पर लात कैसे मार दी? अबे लाला इतना बुरा आदमी नहीं है जितना तुम समझते हो, लोगों ने उसे खामखा मशहूर कर रखा है। माँ मैंने तो उससे जैसे ही मांगे उसने मुझे दे दिए। अच्छा, डर गया होगा भैया तुमसे, बगैर सूद के तो अपने बाप को कफन नहीं दे सकता, तुम्हें रुपए कहाँ से दे दिए? मगर तूने लाला से उधार लेके बैल काहे को खरीद लिए?
मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ। नौकरी छोड़ दी? हाँ, अब मैं खुद अपनी खेती बाड़ी करूंगा। तू चिंता मत कर, समय बदलते देर नहीं लगती है। एक दिन मैं तुझे चांदी में उजली और सोने में पीली कर दूंगा। बाबूजी की इतनी बड़ी पगड़ी बांध के पंचायत में बैठा करूंगा। और नंबरदार और उसके लड़के का हुक्का पानी न बंद किया तो मेरा नाम शामू नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए बेटा, मेरा सोना, मेरा चांदी। भगवान सलामत रखे, बाप की पगड़ी बांधने वाले का सर सदा ऊंचा रहे। अरे वाह भैया वाह, बैल खरीदते ही बैल बन गए। अरे भाई, वक्त पे सब कुछ बन जाना पड़ता है, समझा? हाँ, हाँ। ये बात मत करो, जब से पैदा हूँ तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा नहीं रहता कि तुम बैल बन जाओ और मैं कुछ भी ना बनूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? शादी भैया, हम लोग के बैल बन गए, अब तुम गधा बन जाओ। ए मन्नू, ये मुंह संभाल के बात क्या कर रहा है? जो मुंह में आता है बक देता है, बड़ों का तो कुछ ख्याल क्या कर। अबे तूने कौन सा अपने बड़ों का ख्याल किया है? अच्छा ये तो बता, इस दोपहरी की धूप में क्या लेने आया? अच्छा तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं। अरे भैया कल मेला है, हम लोग सब चलेंगे। देख बरसाती, अब मेले वेले की बात मत कर, काम करने दे। अरे भैया काम तो होता ही रहेगा, बरस में एक दिन तो नसीब होता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया, तुम और मनु मेले में चलो। क्यों मनु? चलो भैया। अच्छा तो फिर अब जा, हम दोनों काम करने दे, हम कल का भी काम आज ही कर। मुझे भी कुत्ते मारेंगे। कहना मान चक्की चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया? उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, जलमुवा हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया? हाय जालिम कहना मान चक्की चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया? दिल से पूछो मैं हुआ क्यों घायल तेरे तीर से, हाय हाय। पर दिल से पूछो मैं हुआ क्यों घायल तेरे तीर से, लाई तुमको बांध बलम की जुल्फों की जंजीर से। अच्छा बाबा, पर लाई तुमको बांध बलम की जुल्फों की जंजीर से। पड़ी जंजीर न सूझी फिर कोई तकदीर, बना गई पागल जुल्फे काली, तेरा क्या गया? उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, बलमुवा हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया? हर मिलने से सैया कहाँ तक डोलूं पायल बांध के, खुल के चल गोरी मेरी पगड़ी से आंचल बांध के। अरे खुल के चल गोरी मेरी पगड़ी से आंचल बांध के। मैंने रोका लाख मगर मिल गए हाथों से हाथ, लटक गई मेरे मन की डाली, तेरा क्या गया? गोरी जालिम कहना मान लटकती चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया? लहंगे के घुंघरू की छम 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 पे मेरा जी गया, लहंगे के घुंघरू की
छम 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 पे मेरा जी गया। देखे मेरी चाल जमाना जैसे कि कुछ जी गया। ये ये ये। पर देखे मेरी चाल जमाना जैसे कि कुछ जी गया। कोई दहा है झूल गया, कोई घर का रास्ता भूल, मगर मैं पूछूं ओ दिलवाली तेरा क्या गया। उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, बलमुवा हो गई मैं मतवाली तेरा क्या गया। अरे बरसाती बाप, क्या बात है? अरे वो आ रही है, देख देख कर। लेकिन तुम गलत मौके पे आए हो, गलत मौके। क्या है गोरी? अरे देखना, अभी तक अच्छा वाला साथ गा रहा था और अब आवाज भी नहीं सुनता। अरे वो ऊंचा सुनता होगा। अरे नहीं, मतलब कि सारी बात सुन लेता है। अच्छा, मर्द होते ही बड़े बेवफा है। तेरे पल्ले पड़ गया, अगर मेरे पल्ले पड़ता ना तो जिंदगी भर सुनता। हाँ अच्छा, तो तू ही जरा पुकार के देख, शायद सुन ले। नहीं बाबा नहीं, मोहब्बत के मामले बड़े उल्टे सीधे होते हैं, समझी? मालती वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बाबा अच्छा, अगर तेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गजब हुआ सरकार, गजब हुआ। क्या हुआ? हम तो अपने लिए पगड़ी नहीं खरीद सकते, मगर शामू ने बैलों की जोड़ी खरीद ली। उससे जन्म भी ठीक करनी सरकार, अब तो दाना डालने वाला है। बैलों की जोड़ी खरीद ली, दाना डालने वाला, क्या बकते हो तुम? अरे खाने के लिए रोटी नहीं, उसके पास बैल कहाँ से लाएगा? महाजन से उधार लिया सरकार, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे साथ चल के देख लीजिए आप। अच्छा चलो, चलो। बरसाती अगर इस साल वक्त से बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या वक्त पर बरसात हुए तो आजाद हो जाएगी। क्या मानो खा लिया? आजा भैया, बहुत भूख लग रही है। लग रहा हाथ दिला भैया, बरसाती हाथ दिला भैया। तुम तो हर मुझे ही काम कहते हो, देखा तू काम चोर है। अच्छा तुम कुछ दिखाई दे रहे? तो हाथ लग भैया, अभी एक नहीं तू, मैं कहता हूँ बकवास नहीं। छोड़ो इधर ये बढ़ खामोश। लाओ खाना, इधर देखो खाना। अच्छा भैया मुझे मना करते हो और तुम बार बार उधर क्यों देखते हो? भैया ये लोग तो सर पर ही आके खड़े हुए, इनसे कहूँ कि खाना खा जाए? तुझसे कह दिया ना कि बात नहीं करने की। क्या तुम हमारी इनसे दुश्मनी है? धूप में कब तक सूखती रहोगी? ये तो बोलने वाली आसामी नहीं, तू ही बोल लेना, मुझे तो लाज आती है। तुम्हें कुछ बोल बोल ना। अच्छा अजी सुनते हो? जी हाँ सुनता हूँ, मगर बोलने का हुक्म नहीं है। मगर ये कुछ बात करना चाहती है। भैया इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहना मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। भैया कहते हैं मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। मालती पूछ, इतना गुस्सा क्यों करते हो? भैया पूछते हैं इतना गुस्सा क्यों करते हो? दूसरों के बीच में दखल देने की तुझे क्या जरूरत है? देखता नहीं सुबह से काम करके थक गया हूँ, खाना खाने दे। पूछ, काम तो हमारे गाँव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? अजी ओ काले, कहती है काम तो हमारे गांव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? कहते बरसाती आप काज महाकाज, दूसरे की नौकरी से अपनी आधी रोटी अच्छी। कह दू भैया, देख तू बिगड़ना नहीं है जो बीच में बोलता है। अरे कह दे कह दे, मैं नहीं बिगड़ूंगा। ओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी मेरा नाम मालती है, मालती। मालती पूछ, अगर ऐसी बात थी तो दूसरे के पैर से कुल्हाड़ी क्यों मारी? अजी अब कहना मान जाओ, तुम ही बड़े
देखा कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरी है। अजी अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। जाना रे राही अकेला प्यार का। तेज कोई नजराना रे लग रहा मेला प्यार का। तेज कोई नजराना रे लग रहा मेला प्यार का। लायक दीवाना दिल नजराना तुम चाहो हीरा मोती गोरी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। मिल गई थी एक बावरिया गुजरी हुई बरसात में। पूछ रहा क्या सावरिया दाग के उंगली दांत में। पूछ रहा क्या सावरिया दाग के उंगली दांत में। कहे लगी प्यारी मुझको तुम्हारी अखियां मोटी मोटी गोरी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। छोड़ो मेरा रास्ता कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। ए भाई इधर जाता है, है? तुम यहाँ? तुम यहाँ कब आई? जब जी जहाँ गए कोई तुमसे पूछ के आना पड़ता है। अरे कम से कम हमें इतला तो होती, हम मेहमानों के स्वागत का कुछ इंतजाम तो करते हैं। इंतजाम करते? अजीवा अजीवा क्या इंतजाम करते? मान न मान मैं तेरा मेहमान, आखिर तुम होते कौन हो जिनके? अरे तुम्हें नहीं मालूम ये इनके मामा होते हैं। मामा देखो मामा जी ये तुम्हारे यहाँ मेहमान नहीं आए हैं, मेरे यहाँ मेहमान है। आप सीधी तरह तशरीफ ले जाइए, नहीं तो आप क्या कर लेंगे? नहीं तो मैं मालती मालती और
ये है मेरा छोटा भाई मनु। भैया तुमने इनको खाने के लिए तो पूछा ही नहीं और तुमने भी नहीं खाया। चलो चलो खाना खाया। अरे ये क्या पूछेगा खाने के लिए, इतनी दूर से हम चल के आए पानी तक के लिए। अच्छा चलो तुमको पानी पिला देते हैं। चलो जरा रोटियां कम है। 13 रुपए 9 आने 6 पाई नत्थू राम हलवाई। पाला की सरकार क्या ला रहा है? हाँ लेन देन बहुत फैला रखा है। हाँ सरकार अपना तो काम ही लेन देन का है। शामू को रुपए क्यों दिए थे? उसे बैल खरीदने के लिए मांगे थे सरकार। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेते हो लाला? नहीं बैर का तो कोई सवाल नहीं हजूर। अरे लंबरदार से पूछा नहीं। सरकार इतने मांगने के लिए आते हैं, मैं किसी के लिए नहीं पूछता। मैं अरे मैं दूसरों की बात नहीं पूछ रहा हूँ, शामू के लिए क्यों नहीं पूछा? आज उसके रुपए वापस ले लो। मगर आज आज कहाँ से देगा सरकार? तो बैल छीन लो सरकार। नहीं तो लेन देन बहुत लंबा हो जाएगा लाला। खाता बंद कर दूंगा सरकार, लंबे लेन देन से अपना क्या वास्ता माए बाप। आज ही बैल छीन लूंगा। मगर 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 क्या, चलो अभी हमारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा माए बाप। अरे मनु आजा आजा, देख माँ खाना लेके आई, तू जाके बैलों को जरा पानी पिला ला और हाथ मुंह धो के आजा। ले आया माँ। माँ जमीन का सारा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ दाना डालना बाकी है, दो चार दिन में ये भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आदमी को मेहनत करना चाहिए, दिन बदलते क्या देर लगती है। मन्नु कहाँ है? मन्नु बालों को पानी पिलाने गया, तू उतार रोटी उतार। क्या बात है लाला, बात क्या है? रुपए दिए थे रुपए लेने आए हैं। रुपए? हाँ लेकिन अभी तो फसल भी नहीं बोई है। रुपयों की कोई फसल होती है? बिना फसल के दिए थे और बिना फसल लेने आया हूँ। तो फिर अपने खानदान को क्यों साथ लाए हो लाला? रुपए देने वाले तुम और लेने वाला मैं, ये लोग बीच में कौन होते हैं? मैं मामा लगता हूँ जी। मामा तो फिर अपने भांजे से कह दो कि जब तक फसल तैयार नहीं होगी एक पाई नहीं मिल सकती। और मैं अभी की अभी पाई पाई वसूल करके जाऊंगा। शामू लाला खोल लो बैल। हाँ जी। खबरदार जो किसी ने बैलों को हाथ लगाया। क्या बात है शामू, क्या बात है? अच्छा हुआ बरसाती तू वक्त पे आ गया। नहीं शामू बंदी भरी हुई है। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं आज सारी मुसीबतों का फैसला किया देता हूँ। एक गोली से शंकर और एक गोली से लाला का खात्मा किया। शामू क्या कर रहा है? मैं तेरे गले में फांसी का फंदा नहीं देख सकती बेटा। तू सलामत है तो ऐसे ऐसे कितने बैल आ जाएंगे। ले जाओ अपने पास। अरे माँ ये तुम क्या कर रही है? माँ मैं इन्हें बैल नहीं ले जाने दूंगा, ये हमारी जिंदगी का सहारा है। माँ आदमी का सहारा सिर्फ भगवान है बेटा, ले जाने देने, इन बैलों से हमारा भला नहीं होता, इनका क्या होगा। शामू अभी तक घर नहीं आया मन्नु। हाँ माँ बड़ी देर हो गई, उसने खाना भी नहीं खाया। जब से महाजन बैल छीन कर ले गया है उसे हंसते नहीं देखा। हंसी गरीबों का घर भूल गई है माँ। मुझे तो डर लगता है बेटा, दुख में राम जाने कुछ कर न बैठे, मैं उसे देख कर आती हूँ। तू बैठ माँ, मैं जाता। शामू अब बस कर, बहुत पी चुका। बरसाती तू मेरा दोस्त है ना? बरसाती हाँ शामू। फिर आज तू मेरे को कुछ मत। आज मुझे आदत नहीं है, बस नहीं है आज में। भैया तुझे मामला आ रही है, चलो। मैं नहीं आ सकता, दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। मैं कहता हूँ बोतल दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। भैया तूने अच्छा नहीं किया जो मनु पर हाथ उठाया। अच्छा नहीं क्या? अच्छा नहीं। अच्छा जा एक बोतल ले गया। नहीं अब मैं तुझे जरूर नहीं पीने दूंगा। मैं कहता जा। Thank you.
दारू पी रहा है माँ। दारू पी रहा है? माँ वो बहुत पी गया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसने मुझे कभी नहीं मारा था माँ, उसने मुझे मारा। तो नशे में उसका हाथ भाई पर भी उठ गया। तू यही ठहर मन्नू, मैं अभी आती हूँ। उसके सामने मत जा, तू उसके सामने मत जा। डर मत मन्नू, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठेगा। दारू के नशे से ममता का नशा बहुत तेज है। लाला, आज जमीन पे सो रहे हो? बदमाश को, ने लाला का खून किया। खून मैंने नहीं किया। हाथ में खून से भरा हुआ छुरा है और कहता खून मैंने नहीं किया। लेकिन ऐसे मैंने खून नहीं किया। नहीं नहीं, मेरा शामू कभी खून नहीं कर सकता, कभी खून नहीं कर सकता। घबराओ नहीं बरसाती, चल तो जरा। चलो पुजारी जी। क्या हुआ देवी जी? मेरे शामू को बचा लीजिए पुजारी जी, मेरे शामू को बचा लीजिए। क्या हुआ शामू? उसे सब पकड़ कर नमदार के पास ले गए हैं। किस गुना? सब कहते हैं कि उसने लाला का खून किया है। लाला का खून? हाँ, लाला का खून हो गया है, लेकिन मेरे शामू ने खून नहीं किया। मेरा शामू किसी का खून नहीं कर सकता पुजारी जी। अगर शामू ने खून नहीं किया है तो सांझ को कभी आज नहीं आता है। चलो मैं चलता हूँ। लाला मरा पड़ा था सरकार, छुरी शामू के हाथ में थी। नशे में चूर था सरकार, बैलों के लिए अपनी की जान ले ली। ये बिल्कुल झूठ है नंबरदार जी, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने लाला का खून नहीं किया। ये सच है, बिल्कुल सच है, तुम ही ने लाला को मारा है, वरना इतने सारे आदमी क्या झूठ बोल रहे हैं? सच सच है और झूठ झूठ। शामू मेरे बच्चे। पाप कभी नहीं छुपता। मेरे शामू ने सुबह से खाना नहीं खाया, इसे छोड़ दीजिए नंबरदार जी, इसने खून नहीं किया, सब जबरदस्ती से पकड़ के ले आए हैं। फिर छुरी शामू के हाथ में कैसे आई? नंबरदार जी उसके हाथ में तो बंदूक थी, बंदूक की छुरी कैसे बन गई? नंबरदार जी किसी और आदमी ने मार डाला होगा। मार डाला होगा कहने से काम नहीं चलेगा, कानून को सबूत चाहिए। तो भगवान सबूत है। तो क्या भगवान सबूत देने के लिए अदालत में जाएंगे पुजारी जी? नहीं, शामू मेरे साथ भगवान के सामने जाएगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है शंकर, अगर इंसान सच्चे दिल से मांगे तो एक क्या हजारों सबूत मिल जाएंगे। मगर एक खूनी को थानेदार के हवाले करने के बदले मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूँ पुजारी जी? मेरे विश्वास पर थानेदार के आने तक आप शामू को मुझे दे दीजिए। लेकिन आपका विश्वास एक खूनी की जमानत कैसे बन सकता है पुजारी जी? मैं खूनी की जमानत देने नहीं आया, एक पापी को उसके पाप के प्रायश्चित के लिए ले जा रहा, एक अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने ले जा रहा। और क्षमा मांगने का अधिकार शामू से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। पुजारी जी भगवान से क्षमा सब मां के सामने क्यों ले जाना चाहते? बापू को क्यों नहीं ले जाते? मुझे क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारे विश्वास को मैं जानता, इसलिए उसके सामने नहीं ले जाता। समय कभी ना कभी तुम्हें वहां पहुंचा देगा। पापी मन को शांति चाहिए और शांति के लिए प्रायश्चित जरूरी है। अगर आप शामू को शांति देना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता। बापू शंकर, मगर एक बात ध्यान रखिए, आप एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप विश्वास रखिए नंबरदार जी, एक पुजारी दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। जैसी आपकी इच्छा। छोड़ दो शामू को, चलो मेरे साथ। जूता उतार। भगवान मेरे शामू को बचा लो, तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा, एक विधवा की कमाई उसे दे दो भगवान। बेटा नमन करो बेटा। किसको? शामू तुम्हारे सामने क्या है? मूर्ति। किसकी? पत्थर की। शामू तुम भगवान के सामने खड़े हो,
ये मूर्ति भगवान की है, जिसका न्याय बड़ा है, जिसकी लीला अपार है, जो बेगुनाहों की सहायता करता है और गुनहगारों को सजा देता है। पुजारी जी, आप मुझे जानते हैं, मैं तुम्हारे रूप को दिमाग की सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने खून नहीं किया, मैं सच्चा हूं। शाबाश, अगर तुम सच बोल रहे हो तो विश्वास करो, इसी सच्चाई का नाम भगवान है। सच्चे के सामने सच बोलना ही पड़ता है, ये सच्चाई की रक्षा करते हैं और सच्चे की रखवाली। अगर ये सच्चे की रखवाली करते हैं तो फिर मैं सच्चा हूं, मैंने खून नहीं किया। वहां तक कहिए ना कि मुझे बचा ले। मैं जरूर कहूंगा। भटका राही तुम पथ के उजियारे हो, मोहन मैं एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो, मोहन मैं एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो। तुम लाखों के सहारे हो, मोहन में एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो, मोहन में एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो। भगवन तुमको देख भटकता मेरे कदम को, दोष न दे सब भगवन तुमको, तुम तो देख रहे हो हमको, तुम तो साथ हमारे हो, मोहन में एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो, मोहन में एक भटका राही तुम पथ के उजियारे हो। दया करो भाई, शायद मेरा हो गया है, पर बिजली गिर पड़ी। बिजली? चलो चलो मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। मेरी चिंता छोड़ दो भाई, एक काम कर दो मेरा। रुपये और ये देवा किसी तरह रामगांव पहुंचा दो, एहसान होगा तुम्हारा। मुझ अभागे की लड़की की शादी है, मेरा नाम केसर सिंह है भाई। वो तो सब ठीक है, मगर ये रुपए तुम लाए कहां से? ये मैं पूछूं मेरे भाई, ये बड़ी लंबी कहानी। इन रुपयों से खून की बू आ रही। खून? हाँ, मैंने अपनी बेटी के हाथ रंगने के लिए पास वाले गांव के महाजन का खून कर दिया। सच मानो मेरे भाई, मैं मजबूर था। ओ, तुम खूनी हो? हाँ,
मैं खूनी हूँ, हत्यारा हूँ, मैंने खून किया है, मैंने एक निर्दोष को जान से मार डाला है, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। तुम्हें मेरे साथ कोतवाली चलना होगा। कोतवाली? हाँ, पहचाना नहीं, मैं सिपाही हूँ और ये पुलिस चौकी है। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी सरकार। छुरी इसके हाथ में थी? हाँ माँ बाप। ठीक है, दूसरा गवाह कौन है? मैं हूँ सरकार। तुमने क्या देखा? सब भैया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं माँ। हाँ बेटा, जब नसीब बिगड़ते हैं तो दुनिया दुश्मन हो जाती है। राम जाने अब क्या होगा, फांसी होगी फांसी। क्यों भाई, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसा फैसला तेरा बाप करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खून ही हमारे हवाले किया, शायद आपको अदालत में आना पड़े। मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो हट जाओ। सच्चा है तो उसे कुछ नहीं होगा, हम अदालत में लड़ेंगे। चल घर चल। चल माँ चल घर चल। वो कौन है देखो, राम गांव का चौधरी। चौधरी जी? हाँ चौधरी जी, आइए आइए। कैसे आना हुआ, खैरियत तो है ना? क्या बात है नंबरदार जी, आप अंदर आइए चौधरी जी, सब पता चल जाएगा। हाँ आइए आइए आइए। हाँ आइए चौधरी जी, बैठिए। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, शामू एक शरीफ बाप का बच्चा, उसने यहाँ के महाजन का खून कर दिया। खून? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनता है यही कहता है। पाप छुपा नहीं रहता चौधरी जी, खून सर पर चढ़कर पुकारता है। मैं ये देखने सुनने नहीं आया था, बीमार आदमी जीने का सहारा ढूंढने निकला था। महाजन से कुछ लेने आए थे? कर्ज तो मैं भी तुम्हें और दे सकता हूँ। मैं कर्जा लेने नहीं आया, अपने थके हुए कांधों से एक बोझ उतारने आया था, शामू के लिए अपनी बच्ची का शगुन लेकर आया था। शगुन? हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी बच्ची के हाथों में खून की मेहंदी लगाने जा रहा हूँ। भगवान जो करता है अच्छा करता है, नेक काम करने के लिए निकले हो तो मैं तुम्हें निराश न जाने दूंगा। टूटी हुई आस भी कहीं जुड़ती है नंबरदार। हाँ ऐसा हो सकता है, शगुन लेकर आए हो तो दे जाओ। किसको? मेरे बेटे शंकर को। शंकर को? लेकिन मैं तो ये शगुन शामू के लिए लेकर आया हूँ। शामू को भूल जाओ चौधरी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नंबरदार जो एक दूसरे को आसानी से नहीं भूल सकते। कोई अक्लमंद आदमी एक खूनी से ब्याह करके अपनी लड़की को नरक में नहीं झोंक सकता। मैं अपने शंकर के लिए तुमसे रिश्ता मांगने वाला ही था, अच्छा हुआ तुम खुद शगुन लेकर आ गए। ये कैसे हो सकता है चौधरी, मैं अपना कर्जा भी माफ कर दूंगा। मैं कर्जा अदा कर दूंगा नंबरदार। कब अदा करोगे, लाए हो 3,000? अभी तो नहीं चौधरी, हमें अभी कुछ न कुछ चाहिए, कर्जा या शगुन। शंकर ले लो शगुन। मगर ये तो अन्याय है नंबरदार, शगुन लिया जाता है छीना नहीं जाता। अगर कर्जा अदा न किया तो आती बैसाखी के दिन हम बरात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, बात पक्की समझो। भगवान शुक्र करे, बेटी को आशीर्वाद तो दो। भगवान खुश रखे। शगुन ले लिया उन्होंने? हाँ। हे भगवान तेरी मेहरबानी, कुछ कम ज्यादा की बात तो नहीं की? तुमने कहा नहीं कि हम गरीब आदमी हैं, हमसे यही कुछ हो सका। बारात कब आएगी? आती बैसाखी को। आती बैसाखी को? अच्छा जैसी उनकी मर्जी। आज तुम कितने खुश हो, तुमसे तो ठीक तरह बात भी नहीं हो रही। ऐसी खुशी भी किस काम की गोरी की माँ, जो आदमी को थका दे। थक गए हो ठीक है, बीमार भी तो हो, और फिर बेटी की खुशी है, एक ही बेटी की। गोरी के बाबा बेटी वाले तो हमेशा ही थकते हैं। लुटते भी, गला भी घोटा जाता है,
और 3000 के कर्जे का दबाव डालकर शगुन भी छीन लिया जाता है। हम रुपया लेकर बेटी की किस्मत खरीदने गए थे और रुपया देकर उसकी जिंदगी लुटाए। बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शगुन शामू को नहीं दे सका। क्यों? उसने खून कर दिया है। खून? नहीं नहीं बाबा, शामू खून नहीं कर सकता। शामू किसी का भी खून नहीं कर सकता बाबा। उसे सिपाही मेरे सामने पकड़ कर ले गए। शगुन नंबरदार ने ले लिया अपने बेटे शंकर के लिए। ये तुमने क्या किया बाबा? लेकिन तुम शगुन तो शामू के लिए लेकर गए थे, तुमने शंकर को क्यों जसून दे दिया? शंकर तो उसका कर्जा उसी वक्त अदा नहीं कर सका। बेटी देना पड़ी, बेटी देना पड़ी। नंबर 2 के हल्फिया बयान और इस्तगासे की गवाहियां सुनने के बाद मुल्जिम नंबर 1 शामू को अदालत बाइज्जत तौर से बरी करती और इकरारी मुल्जिम केसर सिंह को अदालत सेशन सुपुर्द करती। शामू? हाँ पुजारी जी, मैं शामू। भगवान ने मुझे बचा लिया। डेट की जबान से कहलवा दिया कि शामू बेगुनाह। शामू जिसे तुम पत्थर समझते थे वो खुद नहीं बोलता लेकिन दूसरों से सच बुलवाता है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं पुजारी जी। मेरे लिए तो पत्थर भी बोलने लगे, तूफान भी बोलने लगे, बिजली भी बोलने लगी। अब मैं आ गया हूँ। मैं तुझसे नहीं कहता था कि मैं बेकसूर हूँ। अब तू चिंता न कर, पा जज ने मुझे इज्जत के साथ छोड़ दिया। भगवान ने बड़ी दया की है। तो भगवान को नमन तो कर बेटा, इतना बड़ा उपकार किया है। क्या मैं तो भूल ही गया था माँ, हम इसे भूल जाते हैं लेकिन ये फिर भी हम पर दया करता है। क्षमा करना भगवान,
देर से इसलिए पहचाना कि अब कभी नहीं भूल। वालों ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझे अभी तक खूनी समझती हो। नहीं श्यामू, मैं तो कभी तुम पर शक भी नहीं कर सकती कि तुम किसी का खून कर सकते। मैंने खून नहीं किया गोरी। तुमने खून नहीं किया? नहीं, असली मुजरिम ने अपने जुर्म का इकबाल कर ली और उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। श्यामू, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरा सौदा कर दिया, मेरी कीमत लगा दी गई, मैं नीला हो चुकी हूँ श्यामू। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी? दिल का सौदा तो दिल से होता है। लेकिन मेरा सौदा कर्जे से हुआ है श्यामू, मैं कर्जे की कीमत में अदा की गई। मैं समझा नहीं गोरी, किसका कर्जा, कैसा कर्जा? बाबा ने नंदगांव के नंबरदार से 3000 रुपए कर्ज लिए थे, मैं उसे अदा नहीं कर सके शगुन। नंदगांव के नंबरदार से कर्जा लिया था? हाँ, और जब बाबा तुम्हारे लिए शगुन ले गए थे तो उस वक्त नंबरदार ने जबरदस्ती शगुन अपने बेटे शंकर के लिए छीन लिया। बेटे ने मेरी जिंदगी से खेलना चाहा और बाप ने मेरे अरमानों से, मैं उनके अरमानों को खाक में मिला दूंगा। श्यामू, कुछ नहीं हो सकता श्यामू, काश हम कर्जा चुका सकते। सब कुछ हो सकता है गोरी, मैं कर्जा नंबरदार के मुंह पर मारकर तुम्हारी डोली रोक लूंगा। कहां से लाओगे इतने रुपए? आती बेसाखी तक की मोहलत है, इतने दिनों में तुम 3000 रुपए दे ही कमा सकते श्यामू। दिल छोटा ना करो गोरी, मैं परदेश चला जाऊंगा लेकिन आती बैसाखी से पहले इतने रुपए कमा कर जरूर ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। बाबा से नहीं मिलूंगी? नहीं गोरी, बाबा से कहते ना कि शामू खूनी नहीं, और अब मैं बाबा से उसी वक्त मिलूंगा जब उनका कर्जा अदा कर सकूं। अच्छा, जल्दी आना शामू, मैं तेरा इंतजार करूंगी। फिक्र ना करो गोरी। क्या कह रही है? वो छूट के आ गया है। तूने सपना देखा होगा गोरी। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, तू मुझसे मिलके गया है, उसने मुझसे वादा किया है कि आती बैसाखी से तू नंबरदार का कर्जा अदा कर देगा। तो नंबरदार ने तुमसे झूठ बोल के शगुन ले लिया था? नहीं गोरी की माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सिपाही उसे ले जा रहे थे। लेकिन सिपाहियों के ले जाने से कोई खूनी नहीं हो जाता। मगर शामू आया और मुझसे मिले बिना चला गया। उसने मुझसे कहा कि मैं बाबा के सामने उस वक्त जाऊंगा जब नंबरदार का कर्जा अदा करने के काबिल हो जाऊं। और हाँ, वो परदेश जाने वाला है कमाने के लिए। वो कमाने के लिए परदेश जा रहा है, भगवान उसकी सहायता करे। गोरी, मैं उसका इंतजार करूंगा। बाबा, रानी, आज बहुत देर कर दी तूने। देखते नहीं गांव में कितनी हलचल मची है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। तो तुम मेरे दिल पर कदम रखकर चली आया करना, यहाँ पर भी हलचल मची रहती है। देखो, राम करे तेरे हाथ टूटे, कितनी जोर से खींचा। इसी अदा पर तो मर मिटा हूं मैं, कितनी मिठास है तेरी गाली में। गाली सुनने की आदत हो गई है, मैं जो कुछ कहती हूँ वो नहीं सुनने में आता। बोल बोल क्या कहती है तू? चांद उतार के ले आऊं, तारे तोड़ के ले आऊं, जो कहे सो करूं। बड़ा आया तारे तोड़ने वाला, शादी तो अब तक की नहीं गई, चांद उतार कर लाएगा।
अरे जब चांद उतर के आए तब देखना। लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी सगाई किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है। वो बिल्कुल झूठ है रानी, तेरे होते हुए मेरी सगाई कहीं हो सकती है भला? तो क्या गांव में यूं ही मशहूर हो रहा है कि आती बिसाखी को तेरी बारात जाने वाली है? अरे जबरदस्ती किसी की बारात तो क्या, किसी की मैयत भी नहीं जाती रानी। तो क्या गांव वाले यूं ही बोलते हैं? अरे गांव वाले तो बेबात की बात बनाते हैं। दरअसल बात यह है कि एक आदमी ने बापू से कर्जा लिया, अदा नहीं कर सका तो अपनी लड़की की शादी करने के लिए जिद करने लगा, तो बापू ने 3 महीने की मोहलत मांग ली टालने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन वो बड़े लोग हैं, 3 महीने में कुछ गलत सोच बैठे तो हमारा क्या होगा? अरे शादी बापू को करनी है क्या मुझे? अगर बापू ने उल्टा सोच लिया ना तो मैं भी उल्टा सोचूंगा, सारी जायदाद को लात मारकर तुझे अपने साथ लेकर किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। शंकर सोचा था। तो क्या झूठ? जमन एक गिलास और लिया। ये क्या कर रहा है शामू? कुछ नहीं माँ। कपड़े क्यों मांग रहा है? वैसे आज फिर किसी से झगड़ा किया है क्या? अब झगड़ा क्या करूंगा माँ, नसीब से हार गया हूं। नसीब तो हर जगह साथ है बेटा। शायद शहर का रंग देख के बदल जाए। शहर? मगर शहर क्यों जा रहा है? भगवान आधी रोटी तो यहाँ भी दे देते हैं। वो भी छिन जाती है माँ, कर्जा आदमी से नहीं बल्कि उसकी आशाओं से वसूल किया जाता है। देहात में तो कर्जा ही वसूल करते हैं बेटा, सुना है शहर में आदमी को लूट लेते हैं। शहर में माया को लूटते हैं माँ, लक्ष्मी को नहीं लूटते। मगर तू कभी शहर नहीं गया बेटा, अकेले कैसे जाएगा शहर? मैं भैया के साथ जाऊंगा माँ, हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे और महीने में तुझे 2 चिट्ठी भी लिखेंगे। नहीं मनु, मैं अपनी किस्मत से अकेला ही लड़ूंगा। अगर तू भी चला जाएगा तो यहाँ घर की देखभाल कौन करेगा? माँ अकेली और दुश्मन कई। मगर भाई साहब एक दोस्त को तो साथ ले जाना ही पड़ेगा, क्या ख्याल है? इरादा पश्चिम का है या पूरब का? बंबई जाने की सोच रहा हूँ बरसाती। कमाल है, जो कोई सोचता है बंबई की सोचता है, मद्रास की कोई नहीं सोचता। अरे हाँ एक बात बताओ। बताओ। मैंने सुना है बंबई में बहुत बड़ा समंदर है। बरसाती मैं डूबने नहीं जा रहा हूँ, काम धंधे के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई तो मैं कौन से कुत्ता बिल्ली मारने जा रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ काम धंधा करूंगा। अरे मन्नू इधर आना, लो ये बंदूक और हिफाजत से रखना। अरे हाँ मुझे तुमसे एक सरकारी बात करनी है, माफ करना मासी। इधर सुनो मन्नू, मेरी रानी का बहुत ख्याल रखना, मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ, समझ गए ना? और गांव में कुत्ते बहुत हो गए हैं, जो कोई भूखे धड़ाम से बंदूक से उड़ा देना, ख्याल मत करना मैं आके निपट लूंगा। अच्छा भैया चलो, अच्छा मासी चलते हैं। अच्छा माँ अभी इजाजत। जीते रहो बेटा, माँ को भूलना नहीं, सुखी रहो। ये ले बेटा। अच्छा माँ बस। अच्छा मासी, अच्छा मुन्नू मेरी बात का ख्याल रखना, अच्छा वो फिक्र नहीं करना। लावे निकाल रुपए। कायदा रुपए भैया, इस फुटपाथ पे धंधा करने के रुपए। अरे कल तो लेके गया ना भैया 2 रुपए। यार रोज रुपया लगता है, चल निकाल। मगर क्या रोज रुपए से देगा भैया? निकाल रुपए। अरे भैया जल्दी, मैं तो समझा था गांव में ही मारा मारी होती है, मगर बंबई में भी मारा मारी होती है। भैया मारा है भैया। क्यों मारता है भाई बच्चे को? बोलो तुम छोड़ देगा। हां बोलो, जान प्यारी है कि नहीं तुम्हें? जान प्यारी है भैया, क्या कर रहे हो? ये यहाँ का दादा है भैया। ये यहाँ का दादा है? हाँ। तो फिर हम इधर का नाना है समझे। अच्छा तुम नाना है? हाँ। अरे भैया वाह भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे? तुमको मालूम है तुमने क्या किया? क्या किया? तुमने यहाँ के दादा को मारा। अरे क्या बात करता है, हम तो ऐसे दादा चाचा काका को जेब में रखते हैं। ऐसा सरवाला वो कब पेशल चाला। अरे कैसे तकलीफ करता है भैया, कहने तो मंगा लिया तो पी लेंगे। भाई तुम अपना धंधा करो, हम चलते हैं। अरे हाँ एक बात तो बता, क्या यहाँ आदमी कहाँ रहते हैं? आदमी? आदमी बिल्डिंगों में रहते हैं। समझा नहीं तू, और किधर रहते हैं? और बंगलों में रहते हैं। अरे नहीं, के किनारे? नहीं नहीं नहीं, और कहाँ रहते हैं? और हाँ। और होटलों में रहते हैं? अरे नहीं भाई, हम जैसे आदमी किधर रहते हैं? ओ
अच्छा पहले ये बताओ माल पानी कितना लाए? चलो भैया माल पानी भाई नहीं उसी हिसाब से बताता हूं। भाई सुनो तो सही, अगर माल पानी होता तो गांव से चल के बंबई आते। अरे हम तो खुद यहाँ माल कमाने आए। अच्छा तो हमारे साथी हो। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? मैं अरे भैया हम वहाँ रहते हैं जहाँ की कोई गिनती नहीं। अच्छा आओ बताता हूँ। चलो भैया ये तो अपना दोस्त दिख रहा। चल भाई चल। आओ भैया इधर नहीं इधर नहीं यहाँ भैया लाइन है लाइन। अरे तू लाइन में खड़े क्यों? अभी बस आएगी ना भैया उसमें चले हम लोग। अच्छा वो देखो वो आ रही है। अरे भैया वो देखो किसी का लाल मकान हवा में उड़ता चला रहा है। अरे भैया वो मकान नहीं है वो बस है। बस बस हाँ बस तेरे मालूम ना तू बम्बई में पहले वक्त आया इसको बस बोलते हैं। दो छत वाली बस होती है। दो छत वाली ये तो एक के ऊपर एक बस लगती है। हाँ भैया चले बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची है इसे आसमान से लगी है। अरे कार का जहाज तो हमारे गाँव में भी होता है। वाह वाह कमाल है। बम्बई शहर मेरे को बहुत पसंद आया भैया। आदमी है बेवकूफ आदमी इसमें ड्राइवर नीचे होता है। ड्राइवर नीचे होता है और बस ऊपर। हाँ बस ऊपर से चलती है। कमाल है तो सारा बोझ ड्राइवर के ऊपर। हाँ अरे बेचारे का तो बच्चों में निकल जाएगा घर से। भैया टिकट के पैसे देते बीड़ी तो पिला। अरे कर कहीं रहते हैं जब देखो बीड़ी ला बीड़ी ला। भैया आ जा आते जाओ। ये देखो ये रहा अपना ताजमहल। हाँ मैं यार जगह तो ये भी रौनक वाली है ना। मैंने बोला था इधर कहीं नजदीक कब्रिस्तान तो नहीं है ना। अरे यार घबरा मत तू अपना बिस्तरा लगा दे। नहीं ना मुझे देख भाई एक लाश तो यही पड़ी है। भाई अपने भाई बन रहे हैं बेकार है क्या? अरे भाई आज ही गांव से आए हैं इन लोगों के लिए भी कोई धंधा ढूंढना पड़ेगा। अरे बम्बई में काम की क्या कमी है प्यारे ये सब्जी में जरा चम्मच तो मार। भैया ये काम मैं गांव में करता था मुझे कोई दूसरा काम बता। क्या बात है तो प्यारे तेरा काम तुझे मिल ही गया। आप फुर्सत मिली है आने की? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करता रानी बापू ने आहिस्ता आहिस्ता काम का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है। आज भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ चोरों की तरह। मैं देख रही हूँ तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। बहुत अच्छे ये तुम्हें वहम होता जा रहा है रानी। मुझे बेसहारा न बनाओ शंकर। चार हाथ लग जाए तो जीवन का पहाड़ उठ जाता है लेकिन दो हाथ से पाप का बोझ नहीं उठता। मतलब मैं तुम्हारे पाप का बोझ कब तक उठाए फिरूंगी शंकर? तुमको मुझसे शादी करनी होगी। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? इनकार नहीं कर रहा इसीलिए तेरी बारात दूसरी जगह जा रही है। शंकर तू अपने हाथों से मेरा गला घोट दे नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। अरे रानी जहर आजकल मिलता कहाँ है? मजाक में बात मत डाल शंकर ये मेरी आबरू का सवाल है। मेरी आबरू का सवाल है। रानी तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा मैं तेरे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। कब होगा इंतजाम? भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तेरा बाप तेरी बारात ले जाकर दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मन्नू जो कुछ हुआ तुमने देख लिया अब आगे भी जो कुछ हो रहा है तुम्हें चुपचाप देखना पड़ेगा। हट जा मेरी आंखों के सामने से। Thank you.
रास्ते में आने का नतीजा। शंकर, ये तूने क्या किया? मन्नू की टांग तोड़ दी। अरे अभी तो इसकी सिर्फ टांग ही टूटी है, अगर इसने जबान खोलकर किसी को कुछ कह दिया तो खोपड़ी खोल कर रख दूंगा। मन्नू, मन्नू, उठ, चल मैं तुझे घर छोड़ दूँ। हट जा अलग, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दे भैया, मैं खुद पछता रही हूँ। मुझे क्या मालूम था शंकर इतना बुरा आदमी है। अब पछताने से क्या होता है? तो ठीक कहता है, लेकिन तू किसी से कुछ कहेगा तो नहीं? गांव के नाते मैं तेरी बहन हूँ ना, बहन की लाज रख ले भैया। अगर शंकर ने मुझसे शादी न की तो मैं जहर खा लूंगी। बोल बोल, तो किसी से कुछ कहेगा तो नहीं? कहाँ गिरा रे, कैसे गिरा मन्नू? पैर फिसल गया माँ। कहाँ है देखो? हे भगवान, ये तो गिरा हुआ नहीं दिखता, साफ लाठी की मार दिखाई देती है। किसी से झगड़ा किया है क्या? बोल मन्नू, बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल ना मन्नू, बता दे भैया। देख मासी क्या पूछ रही है। मैं तेरे हाथ जोड़ती। पत्थर पे गिर गया था माँ, पत्थर की लगी है माँ। हाँ बेटा, हमारे नसीब में पत्थर ही है। नसीब ने एक को आंखों से दूर कर दिया और दूसरे को पांव से मजबूर करके बिठा दिया। रानी जा बेटा, जरा शंभू को बुला ला, इसकी मरहम पट्टी कर दे। अभी बुलाती हूँ मासी। चल बेटा। चलते थे, मेहनत करने को जान निकलती है। इतनी मेहनत से भी कोई फायदा नहीं बरसाती, हाथ में पड़ी हुई हथकड़ी उतरती नजर नहीं आती। कितनी है ठीक से तो गिन। गिल्ली, सारी फुटपाथ की कमाई मिलाकर 327 रुपए 22 नए पैसे। बस मेरी तो समझ में नहीं आता कि बंबई में आकर लोग लखपति कैसे बन जाते हैं। अरे यहाँ तो अभी तक 1000 रुपया भी नहीं हुआ और फिर वक्त भी थोड़ा है। तो भैया मेरे पास 50 रुपए हैं, अगर काम चले तो ले लो। तो सवा तो अपने पास भी है भैया। 150 के करीब मेरे पास भी है भैया। अरे तो भाइयों मुंह क्या देखते हो, जिसके पास जो है निकालो। अरे भाई हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल तो अमीर है। दिल से काम नहीं चलता दीपक, मुझे तो रुपया चाहिए। तो रुपया ले लो ना भैया, इनकार कौन करता है। जुम्मा दादा, यही तुम्हारी क्या कम मेहरबानी है कि तुमने हमें ठहरने का सहारा दिया। मुझे तो 3000 रुपया चाहिए और हम सबके मिलाकर तो 1000 रुपए भी नहीं होते। तो शामू भैया ऐसा करो, तुम रात दिन मेहनत शुरू कर दो, रात को मिल में और दिन को कोई हल्का फुल्का। मैं तो दीपक दिन रात काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये हल्का फुल्का काम क्या होता है? चमटी, तेल मालिश। हाँ ठीक, तो फिर मैं कल से तेल मालिश किया करूंगा। भैया तुम तेल मालिश करोगे? हाँ। तो फिर मैं बूट पॉलिश करूंगा। ये ले 5 रुपए, अपना सामान ले आना कल। अच्छा अच्छा भैया। बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश, बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश। फूल से हल्का सर हो जाए तेल मालिश, दर्पण जैसा जूता चमके बूट पॉलिश। बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश, बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश। Oh, 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 oh
रहे है उतरा है चांद। चमका के तू जो अभी जूते को बांध, धरती पे सब ये कहे उतरा है चांद। घर जो तेरा मल तू करा, सादे न दिखे तो अभी करो नालिश, बाबू तेल माले करा लो गोट पाले, बाबू तेल माले करा लो गोट पाले। मेरा जो हाथ लगा ऐसा भला, रोता जो आया वो ही हंसता चला। जो हाथ लगा ऐसा भला, रोता जो आया वो ही हंसता चला। अरे देखो किधर जूता मगर, एक बार तो छूने दो यही है गुजार। बाबू तेल मालिश करा लो गुड पाले, बाबू तेल मालिश करा लो गुड पाले। इतना बड़ा चांस छोड़ने को नहीं मांगता, तुमको चैंपियन बॉक्सर से लड़ने कुछ मांगता है। जान सबको प्यारा होता है मैनेजर साहब। चेहरे कैसा माफिक बात करता है, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है मालूम। लाइफ इंश्योरेंस है तो हमारा औरत को पैसा मिलेगा, हम मर जाएगा हमको क्या मिलेगा, हम नहीं लड़ेगा। तुम अभी हमको बोलता है खाली 7 दिन रह लाए फाइट को, कितना पब्लिसिटी खेला है। पब्लिसिटी क्या, तो तुम खुद क्यों नहीं लड़ता। क्या बोलता है, हम लड़ेगा, एग्रीमेंट तुम्हारा हो रहा है और लड़ेंगे हम। एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, उसका एक ब्लो मालूम 120 पाउंड का है। 120 पाउंड का हाथी से लड़ेला, हाथी से, हाथी से लड़ेला। ने एक दिन रेफरी को पकड़ा, ने एक ब्लो मला रेफरी। बरसाती क्या हुआ, बरसाती तेरे मेरा क्या हुआ। बहुत जोर का लगा, बहुत जोर का लगा शाम। ए मिस्टर, तुम उसको क्या समझ के मारा है? बताएगा अभी। तो ये बात है पहलवान। अरे वो भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो समझ से निकले। मैं खामोखा गलत आदमी की मालिश कर रहा था। 1, 2, 3 flat, excellent, well done Joe, well done, here is the winner। तुम्हारा बिलो बिल्कुल फट्टर के माफिक है, तुमको चैंपियन से लड़ना मांगता, तुम जीतेगा। लड़ना, हमको लड़ना नहीं आता है, हम सिखाएंगा, प्रैक्टिस कराएगा। नहीं बाबा नहीं, हमको लड़ना मरना नहीं, तुमको दूसरा ढूंढो। हमारा बात सुनो, 5,000 रुपया इनाम मिलेगा, हारेगा तो 3,000 रुपया मिलेगा। 5,000 रुपया इनाम मिलेगा, चलो हमको सिखाओ, हम लड़ेगा, चलो। कावट, नंबरदार का एक ही लड़का है, जितना हौसला करे उतना ही कम है। मुबारक हो भाई साहब, जेवर तो सभी कीमती है। जानता हूँ, जिंदा मुआएं हैं बहुत कीमती। नंबरदार ने कहा कि कंगन रह गया है, इसका नाप दे दीजिए। खुशी को सोने और चांदी से नापिएगा तो जेवर भारी हो जाएंगे। गोरी की माँ, कंगन का नाप दे दो। मालती, गोरी, बाबा कहते हैं कंगन का नाप दे दे, सुना रहा है। हथकड़ी बनने के दिन आ गए, हथकड़ी उतारने वाला अब तक परदेश से नहीं लौटा। आंसू पूछ ले गोरी। आंसू नहीं मांगते, खीरे की कमी है, सुना से खेले। अगर हो सके तो ये नगीने भी कंगन में चढ़ दे। हो गया, और पास करो। एक बरसाती मेरे मारो रे, मारता है ना साहब, सीधा तो मारता है साहब। हम कहना कमान राइट, बैंड ऑन माय पार्ट, अगेन कमान लेफ्ट लेफ्ट राइट, बैंड ऑन, वेरी गुड, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, बैंड ऑन, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट लेफ्ट।
इधर मारो, बराबर मारो। Thank you.
ध्यान रखना है, बारात के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सब क्या कराए चौपट हो जाए। बात क्या है सरकार? बात यह है कि चोट खाई हुई नागन और धोखा खाई हुई औरत बराबर होती है। बारातियों के सामने अगर रानी आ गई तो ये फूलों का हार जूतियों का हार बन जाए। बस इतनी सी बात से डरते हैं सरकार? रानी तो क्या राजा का ही पता नहीं चलेगा। रास्ते से उठा ली जाएगी। सरकार इत्मीनान रखिए, मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तैयार हो जाओ। मन्नू यहाँ क्या देख रहा है? किसी की बारात देखता हूँ मैं। शंकर की बारात है, नंबरदार ने कितनी धूम से बारात निकाली। धूम से क्यों नहीं निकलेगी माँ, इसमें कई दिलों की आहें और कई आंखों के आंसू हैं माँ। ऐसे नहीं बोलते बेटे, भगवान लगन शुभ करे, दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, जीने का अधिकार तो उससे भी है। माँ वो भैया बरसाती, यहाँ देख माँ है, मनु है, तेरी रानी है और मेरी गोरी है। श्यामू माँ भैया से मत कहना। क्या बेटा? कि मनु लगड़ा हो गया, वो सुनेगा तो कुछ कर डालेगा माँ। अच्छा बेटा, नहीं कहूंगी नहीं कहूंगी। आंसू पोछ ले माँ, उसके सामने हंसती हुई जाना, पूछे कि मनु कहाँ है तो कह देना घर में नहीं है, कहीं खेलने गया। माँ मासी माँ मनु ये कपड़े ये क्या बन के आ गया है? अरे मासी अब ये बड़ा साफ बन के आया है। ये पतलून है माँ? पतलून? तो क्या तू बम्बई में पतलून पहनने गया था? अरे मासी बम्बई की बात ही मत पूछ, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो कोट पतलून पहनता है और जो बीड़ी सिगरेट उधार पीता है वो स्ट्रेट कहलाता है मासी। अरे तेरी आधी पतलून कहाँ गई? मासी वो धोबी ने काट के रख दी। पैसे नहीं दिए होंगे? हाँ माँ ये वहाँ भी बहुत उधार करता था। छोड़ो उसको, तू आ तो सही, तू देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। चल बता बता जल्दी से बता। ये देख ऐसा बक्सा तूने देखा था कभी? नहीं। और देख तो सही, ये देख ये मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। साड़ी? ऐसे साड़ी कहाँ को लाया है बेटा? क्या ये मेरी उम्र है साड़ी पहनने की? ले बरसाती सुन। अरे मासी बम्बई में तो सब बुढ़िया रंग बरंग की साड़ी पहनती है, लाजी लगाती है, पाउडर लगाती है। अरे मासी वो तो पीछे से आधे बाल भी काटती है। ये देख मन्नू के लिए पतलून लेके आया हूँ। हाँ मासी अब हम मन्नू को छोटा सांप बनाएंगे। हाँ। और वो ये पतलून पहनकर कबड्डी खेला करेगा। मन्नू अब कबड्डी नहीं खेलता बेटा। कबड्डी नहीं खेलता? लेकिन मन्नू है कहाँ? बाहर गया है। ले उसको नहीं मालूम था तो उसका भाई आने वाला है। अच्छा माँ मैं अभी आया। बहुत देर हो गई बेटा। देर कहाँ हुई है माँ, मैं अभी आया। बारात जा चुकी। बारात जा चुकी? किसकी बारात? ये तो कैसी बातें कर रही है माँ। तू जिसका कर्जा अदा करना चाह रहा था, शंकर की बारात। शंकर की बारात? क्या मैं जीत कर भी हार गए? मैंने अब तक किसी से नहीं कहा भैया, आज तुमसे कह रहा हूँ। मगर इसमें छुपाने की क्या बात थी? रानी की इज्जत का सवाल था भैया। अरे उसकी लंगड़ी इज्जत किस काम की? अगर खुद उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो आज शंकर की बारात के साथ रानी की आंखें निकलनी चाहिए थी। उसने भी यही कहा था भैया, जब तकदीर से हार जाऊंगी तो देर खा लूंगी। रोएगी गोरी? देख काजल बाहर जा रहा है। हाँ मालती दुनिया बहुत अंधेरी हो गई है,
तभी तो चांद निकलेगा। जरा सी उम्मीद थी वो भी मिट गई। जिसको आना था वो अब तक नहीं आया। वो आके भी अब क्या करेगा गोरी? समय गुजर चुका है, बारात गांव में आ चुकी है। मगर उसने मुझसे वादा किया था माल। उसने कहा था जैसे भी होगा मैं ये कर्ज अदा करूंगा। वो कर्जा तो अदा न हो सका, अब जीवन का कर्जा अदा करने का वक्त आ गया है कुड़ी। मगर मेरा दिल कहता वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो अब आया भी तो क्या, मंडप में बैठी हुई बारात को उठा देगा, हवन की जलती हुई आग को बुझा देगा, पंडित के श्लोकों को बदल देगा गोरी। मगर एक बार अपनी सूरत तो दिखा देगा। मैं उसे इतना तो कह सकूंगी कि तेरा वादा मुझे पूरा करना पड़ा, कैसा मैं अदा कर रही हूँ। बाबा मैं आ गया। बाबा आप अंदर आओ। मैं इतना पैसा लेके आया हूँ बाबा, अगर वो अपने कर्जे से ज्यादा मांगे तो भी दे सकता हूँ। लेकिन अब तो कर्जे का सवाल ही नहीं रहा बेटा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमें तुम्हारा इंतजार ना कर सका। उसने गोरी की किस्मत का फैसला कर दिया है शामू। मैं गोरी की किस्मत का अंधा फैसला नहीं होने दूंगा। आप उनका कर्जा अदा कर दीजिए। अल्लाह ही अदा कर रहा हूँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारे रुपए आंसू नहीं पहुंच सकते। बिरादरी का मेल हो चुका है, बारात मंडप में बैठ चुकी है। बारात उठाई जा सकती है, बारात फेरी जा सकती है। ये क्या कहते हो बेटा, कहीं आई बारात भी फेरी गई है? हम भला दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? तुमने बहुत देर कर दी मेरे बच्चे, गोरी उनकी हो चुकी है। मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा बाबा, मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा। ये नामुमकिन है शामू, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी तकदीर में यही लिखा था। ये आप कह रहे हैं बाबा? नहीं, मेरी गरीबी तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। मेरे आंसुओं को भरी बारात से अपने पैरों से मत रौंदो। आज तक किसी शरीफ लड़की की बारात उसके दरवाजे तक आकर नहीं लौटी। ये रुसवाई है, कलंक है, जिसे कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता शामू। जिंदगी हमेशा इज्जत पर कुर्बान थी, आई हुई बारात को जिंदगी ले जाने दो इज्जत नहीं। धर्म बिरादरी रीत रिवाज इजाजत नहीं देते शामू। मैं किसी की परवाह नहीं करता। धर्म पहला है जो गोरी की फरियाद नहीं सुन सकता। बिरादरी अंधी है जो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। रीत रिवाज हमारे बनाए हुए, हम उसे तोड़ सकते हैं बाबा। ये तुम्हारी भूल है शामू, गोरी अब दूसरे की हो चुकी, तुम उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा उससे मिलना पाप है। उसकी खुशी को मिटा देना पाप नहीं। आप बिरादरी से मिलकर उसके रोने पर बाजा बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैं सब कुछ देख रहा हूँ शामू, मगर मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं जो मैं उसके आंसू पोंछ सकूं। तो फिर मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे बेरहम दुनिया से छीन सकता हूं, मैं उसे उठा के ले जा सकता हूं बाबा। शामू, गोरी अब मेरी बेटी नहीं, अब तो वो नंबरदार की बहू है। गोरी नंबरदार के आवारा बेटे शंकर की बीवी नहीं बन सकती। जो बारात शहनाइयों के साथ गोरी की डोरी उठाने आई, वो शंकर की आरती उठा कर ले जाएगी। मेरी लाज, इस पगड़ी की इज्जत रख ले शामू। मैं तुझसे अपनी बेटी की खुशी नहीं मांगता। नंबरदार ने कर्जा देकर मेरी जान बचाई थी, तू उसकी बहू का सुहाग देता जा, मेरा कर्जा अदा करता जा बेटा। नंबरदार जी, लग्न का समय हो गया, अब कन्या को बुलवाइए। जाइए, आप यहां बैठिए। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाये दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम जीना हुआ इल्जाम
किसी से हाए दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम। लुटे आते हैं लोग जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, गए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं अपना बनाते हैं हम तो फिरे नाकाम, हम तो फिरे नाकाम, किसी से हाए दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम, किसी से हाए दिल को लगा के मुक्त हुए बदनाम। साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम, समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम, तन्हा खड़े हैं हम, दिन भी रहा है कम, रास्ते में हो गई शाम बदनाम। साक्षात पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तांच स्वस्ति भ्रवंतु न। अब छेड़ा बंधन कीजिए। मालती सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सार्थिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुजारी जी पुण्य में पाप की घिसा न लगा, एक के आंचल में दूसरों के आंसू के मोती न समेट, यह अन्याय। लगन वेदी पर बैठी हुई कन्या को उठा देना भी अन्याय है पुजारी जी, जीवन के बनते हुए संबंध को तोड़ देना भी अन्याय है। हवन की जलती हुई आग को चिता की आग बनने से रोक लेना अन्याय नहीं है चौधरी, एक बाप को अपनी औलाद की हत्या करने से बचा लेना अन्याय नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैं नहीं कह रहा, एक बालक के मन की धड़कन कह रही। कौन बालक? वो अभी इस दुनिया में नहीं आया नंबरदार, उसकी माई आई अपना अधिकार में। आओ बेटे सामने आओ। ये क्या चाहती है पुजारी जी? ये क्या कहना चाहती है इस समय? ये वो सब कुछ कह देने आई है जो अब तक आप लोगों से छुपा है। जीवन कोई धोखा नहीं जिससे इंसान आसानी से भाग सके, जीवन कोई खेल नहीं है जिससे जी भर जाने के बाद उससे अपना पीछा छुड़ा सके। ये कहने आई है कि शंकर ने नंबरदार की कुल का चिराग इसकी गोद में जलाया है। पुजारी जी वो इसे अपनी पत्नी बना चुका है। इतना बड़ा धोखा ये झूठ है पुजारी जी, ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। कोई लड़की कभी किसी मर्द को बदनाम नहीं करती शंकर, जब तक वो खुद अपनी बदनामी की गवाह ना, इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। जबान से कह देना आसान है पुजारी जी, मगर सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी जुबान ही सच को सच साबित कर रही है शंकर, फिर भी तुम सबूत चाहते हो तो वो तुम्हें मिलेगा। हाँ देवी धीरे रखो, आदमी की तकलीफ परमात्मा के हाथ में है और उसका न्याय अटल होता है। चलो मनु संभाल कर चुप, इस न्याय का हम भी तमाशा देखेंगे। पुजारी जी आप लोगों ने मुझे भरी बारात में जलील किया है, मैं ये पूछता हूं कि किसने देखा मुझे इस लड़की के साथ? मैंने देखा है। मनु
तुम्हारा पाप मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है, मेरी मजबूरी तुम्हारे पाप की गवाह है और मेरी बेकार जिंदगी तुम्हारे पाप का सबूत है। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी टांग नहीं तोड़ी? इज्जत बचाने के लिए टांग तोड़ी जाती है और शान दिखाने के लिए शगुन छीना जाता है। मन्नो, तूने मुझे बताया ही नहीं कि शंकर ने तेरी टांग तोड़ी है और इसलिए तोड़ी है। पापी, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस लड़की की इज्जत के ख्याल से इसको दुनिया में जलील होने के लिए तूने बेसहारा छोड़ दिया है। मैं माँ को अभी तक ये ना बता सका कि मेरी टांग कैसे टूटी है। मन्नो, तेरी टांग टूट गई? तूने मुझे बताया नहीं? मैं इसकी टांग तोड़ने वाले को वहीं खत्म करता। बदमाश, तू समझता है कि इस बच्चे की टांग तोड़ना बदमाश? जाओ शाम, पुजारी जी, इसे माफ कर दो शाम। इस पापी को माफ कर दूं? आप इसके लिए मांग मांगते हैं? नहीं, इस बच्ची के लिए, जिसका अब यही सहारा है। शाम, इसे छोड़ दीजिए पुजारी जी। शंकर पापी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। मैं हमेशा न्याय करता आया हूं, आज अन्याय नहीं होने दूंगा। शामू, हाथ रोक लो। क्या मेरे लगन के समय तुम मुझे सलामी नहीं देते? मैं अपनी सलामी में तुमसे इसका जीवन मांगती हूँ, मुझ पर दया करो। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ शामू भैया। क्षमा मांगने से मेरे भाई की टांग ठीक नहीं हो जाएगी। तुम्हें अपने मजबूर भाई का वास्ता, मुझे मेरे पति का जीवन दे दो। सुनो, छोड़ दे बेटा, दुश्मन को जिंदगी न दे, माँ को माँ का हक दे दे। ये भी माँ बनने वाली है बेटा, इसने तुझे तेरे मजबूर भाई का वास्ता दिया है। माँ, अब यहाँ से चलो माँ, मैं यहाँ बहुत कुछ दे चुका हूँ। शामू, तुम अकेले नहीं जाओ। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी जी, हम बारात लेकर आए थे और कन्या लेकर जाएंगे। गोरी की डोली शंकर के साथ नहीं, अब शामू के साथ जाएगी। पंडित जी, पहले शंकर और रानी का लग्न कर दीजिए, फिर शामू और गोरी का। चौधरी जी, भैया भैया, मेरे लिए भी तो कहो पंडित जी से। हाँ हाँ, उनकी एक सखी भी तो है। मिल गई थी एक बावरिया, गुजरी हुई बरसात में। सोच रहा क्या सावरिया, बाप के उंगली साथ में। सोच रहा क्या सावरिया, बाप के उंगली साथ में। कहे लगी प्यारी मुझको तुम्हारी, अखियां मोटी मोटी गोरी। चलो अब कहना